तब से देश में कई अपोजिशन पार्टी के लीडर्स के और मीडिया के भी बहुत सारे लोगों के सुर और स्वर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के डिस्क्लोजर होने के बाद में लगभग देश के सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से वापस बन रही है। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर मुझे टिप्पणी करना हो तो मैं ये कहूंगा, पिछले 10 साल में जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, देश के 25 करोड़ लोगों के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाए, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचारियों को अपने किए की सजा भुगतने के लिए विवश कर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार 3 साल तक रहने का सौभाग्य प्रदान किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया और भारत की छवि को पूरे विश्व भर में परिवर्तित करते हुए भारत के 140 करोड़ लोगों के मन में यह विश्वास स्थापित किया कि भारत विकसित हो सकता है और भारत को विकसित बनाने की दिशा में प्रयाण किया, आगे बढ़ाया। तब देश की जनता ने चुनाव से बहुत पहले अपने आप से, अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जनता का जो ये 400 पार का नारा था, इसको, इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचंड पुरुषार्थ किया, भागीरथी परिश्रम किया और इस पूरे लंबे चुनाव के दौर में मीडिया के साथी या कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे इसमें किसी तरह का संदेह रखते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता देश भर में चाहे कहीं भी हो, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हम सब लोग 100% विश्वस्त थे, आत्मविश्वास से लबरेज थे, कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को विकसित बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से फिर बनने वाली है। देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एग्जिट पोल के बाद में जैसा मैंने कहा, सुर और स्वर बदले हैं, अभी आप देखते जाइए, कल जब परिणाम आएंगे, कल जब इस समय आपसे 24 घंटे बाद जब हम बात करेंगे और देश की तस्वीर उस समय साफ हो चुकी होगी, तब वो बात जो पहले 10-15 दिन पहले कही थी कि 4 तारीख को फैसले आने पर किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, 5 तारीख को ईवीएम को दोष दिया जाएगा, 6 तारीख को जो है उसकी नुक्ताचीनी की जाएगी और 7 तारीख को कई लोग विदेश के दौरे पे जाएंगे, ये जो आइटनरी छपी थी, ये हूबहू अक्षर से सत्य होने वाली। मुझे लगता है कि ये डिबेट का इश्यू नहीं, ये तो 24 घंटे बाद सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब 24 घंटे तक के लिए कोई दिवा स्वप्न देख करके यदि प्रसन्न रहना चाहता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस उम्र में भी 24 घंटे के लिए कम से कम खुश रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इतनी मोहलत तो आपको उनको देनी चाहिए। सर, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पे जो है ठीक रख बोलने की कोशिश की, अगर ज्यादा सीटें आएंगी, मैंने कहा कि वो मेन्यू हमने पहले से दे दिया था कि तारीख दर तारीख किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी, एग्जिट पोल आने की तिथि के बाद में क्या प्रतिक्रिया होगी, ये पहले बता दिया था कि वो क्या कहेंगे इस पे, सेम वही प्रतिक्रियाएं आई है। मैंने आपसे कहा कल शाम की प्रतिक्रिया क्या होगी, परसों एग्जिट पोल के, परसों जो है ईवीएम के ऊपर सारे लोग एक स्वर से ठीकरा फोड़ेंगे। देखिए, ये तय है कि देश ने भ्रष्टाचारियों को, देश ने सांप्रदायिक ताकतों को, देश ने परिवारवादी ताकतों को, देश ने देश को कमजोर करने की कल्पना करने वाली ताकतों को, देश ने सनातन को कमजोर कर सनातन को मिटाने का संकल्प करने वाली ताकतों को, इन सब को सिरे से खारिज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश का परिणाम उठा करके देख लीजिए और उसके बाद में कल जब परिणाम आएगा तब देश भर के परिणाम उठा करके देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार में आने वाली है। सर, राजस्थान की बात करें, एग्जिट पोल में 2-3 सीटों का अंतर, 25 इस बार, देखिए मैं फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान में हैट्रिक बनाएगी।
दो दिन इंतजार कर, दो अब तो 24 घंटे इंतजार करिए, सब आपके सामने आने वाले। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ये बार बार कह रही है, काउंटिंग वालों को, 17 सीसी फोरम को लेकर आप वहाँ अडिग बने रहे, ऐसा लगता है कल वो इस चीज को लेकर काफी कुछ योगदान, उनकी तो उनका संवैधानिक अधिकार है, जो जो एजेंट जाएगा उसको 17 सीसी फॉर्म के अकॉर्डिंगली वेरिफिकेशन करने का, मशीन के वेरिफिकेशन करने का, टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स के वेरिफिकेशन करने का, टोटल नंबर ऑफ वोट्स के वेरिफिकेशन करना उसका जो है प्रोसीजरल राइट है, उसको करना चाहिए, इसमें मुझे कहीं कोई इश्यू नहीं आता। और शायद मुझे ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि जैसे ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, मुझे लगता है 7 बजे शुरू होगी, 8-9 बजे तक पहले रुझान आना प्रारंभ हो गया, 10 बजे के बाद में के जो है मतगणना के दौरान, जब तीसरे चौथे पांचवें दौर से बाद की मतगणनाएं होना शुरू होगी और हो चलेंगे, अपनी अप्रत्याशित हार को जानते हुए कांग्रेस पार्टी के बूथ जो वहां काउंटिंग एजेंट्स छोड़ करके न भागें, शायद मुझे लगता है इसको लेकर के उन्होंने इस तरह का उनको जो है वो संदेश देने की कोशिश की होगी।